अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहादुल में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि रोज़ आपको किसी न किसी तरह का मसला फिरका परस्तों की जानिब से उठता दिखाई देता रहेगा। अब तो रोज़ कई मसले एक साथ देखने को मिल रहे। कुछ लोग कहते हैं कि आप रोज़ाना इसी नेज की खबरों को शाया करते हैं, लेकिन मजबूरी भी इसी तरह की है कि आज सुबह से शाम तक यही देखने सुनने को मिल रहा है। 1990 के दौरान बाबरी मस्जिद मामले को शुरू किया गया था और 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। सारी दुनिया ने खुली आंखों से देखा कि कैसे लाखों कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और कौम ने डरते जिन्होंने एक बड़ी भीड़ को भड़काया और ना सिर्फ एक बाबरी मस्जिद को शहीद किया बल्कि उस दिन कई मस्जिदों को भी शहीद किया गया था। हजारों लोग बाबरी मस्जिद के फसाद के बाद मारे गए और तब से भाजपा संघ परिवार कामयाबी की सीढ़ियां उबूर करते हुए पूरी अक्सरियत के साथ अख्तदार पर पहुंच गया। अब जब हुकूमत ही इसी नफरत की बुनियाद पर हासिल की जा रही है तो रोजाना इसी तरह के इसी नहज पर मनसूबे भी बनाए जा रहे हैं। आज सिलसिलेवार मौजूदा तशद्दुद फैलाने वाले उन तमाम मामलों पर तबसरा करेंगे। सबसे पहले रियासत कर्नाटक में हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से अजान पर पाबंदी की मांग करते हुए हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाने की धमकी दी थी और दरगाम शहर के कुछ इलाकों में इसे महसूस भी किया गया। ताज्जुब तो उस बात पर होता है कि वजीर आला बसवराज बोम्मई उन शख्सियतों के साथ बैठते हैं जिन पर कई मुकदमे दायर और नफरत की जबान ही हमेशा बोलते रहते हैं। अपने आप को राम सेना का मुखिया कहने वाले प्रमोद मुतालिक पर इससे पहले भी कई मुकदमे दायर किए जा चुके हैं और इसी काम को शायद हुकूमत ने भी मंसूब किया हुआ है। बेलगाम शहर में यह शख्स बारहा आता और तशद्दुद फैलाने वाले बयान देकर चला जाता है। रियासत के मुख्तलिफ शहरों में अब तो कई मुतालिक पैदा हुए और इन पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई करने के बजाय अपने बगल में लेकर बैठने वाले वजीर आला आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। गुलबर्गा में भी अंदोला स्वामी जो खुद एक क्रिमिनल है ये भी रोजाना मुस्लिम माशरे को धमकी देते हुए देखा जाता है। कल गुलबर्गा शहर के कई जिम्मेदार लोगों ने जिसमें हिंदू मुस्लिम समाज के अक्सरियत लोग शरीक रहे इंतजामिया को जाकर मुतालबा पेश करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वादा रहे कि इससे पहले भी इसी तरह आनंद की दरगाह में पूजा पाठ के बहाने हिंदुत्ववादी तंजीमों के अफराद दरगाह इहाते में दाखिल होने के बाद फसाद बरपा हुआ था जिसके बाद कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। आज भी जेलों में बंद है तकरीबन 300 से भी ज्यादा नौजवानों की गिरफ्तारी बताई जा रही। इसी तरह हुबली फसाद में भी 240 अब तक गिरफ्तार हुए और भी गिरफ्तारियां जारी हैं जबकि शरपसंदों की तादाद सिर्फ दो है। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हर शहर में सैकड़ों की है। जहांगीरपुरी हादसा हो या करौली या खरगांव और ईद के रोज जोधपुर में हुए पथराव में सिर्फ एक ही समाज के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और किसी भी शहर में अब तक रिहाई नहीं हुई। आखिर इसे भी साजिश का ही हिस्सा कह सकते हैं। एक समाज के नौजवान को महीनों तक महज पथराव की वारदात को जिम्मेदार ठहरा कर जेलों में बंद कर देना मतलब एक समाज और खासकर मुस्लिम समाज डर खौफ के साए में रहे और जुल्म हो भी रहा है तो इस पर आवाज न उठाए जबकि खुद हुकूमत हनुमान चालीसा पर सुमोटो लेकर गिरफ्तारियां कर सकती है। लेकिन बजाय इन पर कार्रवाई करने के वजीर आला बोम्मई प्रमोद मुतालिक और अंदोला स्वामी जैसे मुजरिमाना जहन रखने वालों को बगल में लेकर बैठती है। यकीनन इंतजामिया भी मजबूर होकर इन्हीं हुकूमतों के इशारों पर कामों को अंजाम देती रहती है। आज की रिपोर्ट थोड़ा तवील इसलिए भी है क्योंकि रोजाना मामले भी उतने पेश आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है ज्ञानव्यापी मस्जिद की जिसे लेकर बहुत बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है और ये तमाम मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। खासकर जुमा के रोज यहाँ जायजा लिया गया अदालत के फैसले पर ताकि मुस्लिम समाज में एक तरह का डर खौफ बरकरार रहे। ज्ञानव्यापी मस्जिद की कहानी वैसे पहले से ही स्क्रिप्टेड है, इसे एक और बाबरी मस्जिद के तौर पर देखा जा रहा है। यह मस्जिद आलमगीर औरंगजेब ने 14वीं सदी में जौनपुर के शक की सुल्तान ने बनवाई है। बाबरी मस्जिद की तरह इसे भी औरंगजेब आलमगीर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा कर तामीर करने की कहानी बनाई है जिस पर कई तारीखदानों ने इनकार भी किया है। काशी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अलग से एक तारीखी वीडियो इंशाल्लाह इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से बनाया जाएगा क्योंकि ये भी कुछ जुमलों में बयान करने की दास्तान नहीं है। लिहाजा हाल ही में जानबूझकर 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 खातूनों ने बनारस की एक अदालत में एक अर्जदार दाखिल की थी। 5 खातूनों की जो कयादत ने राखी सिंह कर रही है और इनका कहना यह है कि मस्जिद के आते में कई मूर्तियां हैं जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति भी यहीं पर है और मंदिर भी है जबकि दीवार के उस पार होने की बात कही जा रही है। मस्जिद के आते में किसी तरह की कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है लेकिन इस अर्जदाद की सुनवाई पर जुमा के रोज अदालत ने
सर्वे का हुक्म दिया और इसी बात से यहाँ के लोगों में यानी कि खासकर मुस्लिम समाज में नाराजगी का इजहार देखा गया और इन्हें अदालत पर किसी तरह का भरोसा भी नहीं है। और जब किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं है तो सर्वे किस बात का, तमाम सरगर्मियों को देखते हुए मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया ने बैरिकेड हटाकर मस्जिद में दाखिल होकर सर्वे करने की मुखालफत भी की है। लिहाजा बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी फैसला मुसलमानों के हक में आएगा इस पर कईयों का भरोसा नहीं है। खैर, इसकी तफसीलात एक और वीडियो में जरूर करेंगे। अब आइए ताजमहल की तरफ। अब ताजमहल में भी मंदिर होने की बात कही जा रही है। वैसे तो ताजमहल को तेजो महल कहते हुए इससे पहले भी कहानियां बनाई जा चुकी है, लिहाजा अब रोजाना एक भगवाधारी ताजमहल को मंदिर बनाने के लिए जाता देखा जा रहा है और यह भी जान बूझ कर माहौल को बनाने की कोशिश जारी है। जब भगवा पहनकर बाबा जी, इसी तरह से मीडिया भी नैरेटिव चला रही है तो टीवी सीरियल्स भी एक ही समाज के देवी देवताओं पर बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तो साफियों के सामने कहा कि देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, किसानों के साथ धोखा हुआ, लिहाजा एक बार फिर किसान एहतजाज पर बैठे क्योंकि मोदी सरकार किसान मसले पर नाकाम हो चुकी है। अजान और स्पीकर पर उठे मसले को भी देश तबाही की तरफ बढ़ने की तरफ इन्होंने बताया। तो कोई रोजगार के बारे में बात कर रहा है, ना महंगाई के बारे में और ना ही शिक्षा के बारे में। लाउड स्पीकर जैसे तनाजे लोगों को बांटने और भ्रमित करने के लिए हैं। आखिर इन तमाम बातों का हल भी इसी दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र रत्नागिरी का सोंडेघर गांव बतौर मिसाल देख सकते हैं। गांव छोटा है पर पैगाम बहुत बड़ा है। इस गांव के हिंदू मुसलमानों ने 100 साल का मुआहदा किया और इस मुआहदे में इन्होंने 100 साल तक किसी तरह का मजहबी फसाद न बर्पा करने की बात लिखी और इसी बात को सड़क के किनारे बोर्ड पर लिख कर बिठाया गया। आने जाने वाले लोगों की नजरें इस पर टिक जाती है। लिहाजा इस गांव की मिसाल और इन मुआहदों को मुल्क की तरक्की के लिए दिगर भी शहरों में अमल करने की जरूरत है, वरना इसी तरह अपने औलादों को फसादी बनाते हुए मुल्क और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करते हुए लीडरों को अमीर और इख्तदार सौंपते रहेंगे। जरूरत है हिंदू मुसलमानों को आपस में बैठकर तबादले ख्याल किया जाए। महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है। लोग घरों में गैस खरीद नहीं पा रहे, फिर से लकड़ियों पर चूल्हे जलाने की नौबत आ चुकी है। महंगाई ने बच्चों को स्कूल छुड़ाकर मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन हुकूमत आपको हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद, हलाल झटका, अजान, हनुमान चालीसा पढ़ने में मसरूफ कर रही है। अब फैसला आपके हाथों में है, आपको करना है। 20% मुसलमानों का नुकसान कहीं 80% अक्सरियत को तबाह ना कर दे, क्योंकि 20 और 80 मिलकर ही तो 100 बनते। लिहाजा इत्तेहाद ही इस मुल्क को बचा सकता है, वरना महज कुछ मुट्ठी भर लोग इख्तदार का मजा लूटते रहेंगे और हमारी नस्ल यूं ही बर्बाद होती रहेगी। अब भी वक्त है, अब भी जाग सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। यही आज का पैगाम। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। 8 तारीख तक नहीं करे तो 9 तारीख मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा डबल साउंड से उधर हम रिकॉर्ड डालने वाले हैं। डिप्टी कमिश्नर को, गुलबर्गा एसपी को और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर को, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के लीडरान, ज़िम्मेदारान, अंदोला स्वामी जो एक रेगुलर हिस्ट्री हेट मॉन्गरर है, रिसेंटली बयान दिया था कि 8 तारीख तक अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर अगर नहीं हटाए तो वो खुद हटाने की कोशिश करेगा, वरना मस्जिद के सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा बोलकर एक गवर्नमेंट को ही अल्टीमेटम दिया है। यहाँ पर एक अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट का खुद वो बीजेपी का लीडर होकर, बीजेपी का सपोर्टर होकर बीजेपी को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं करे तो वैसा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि आंदोला स्वामी एक रेगुलर हेट मॉन्गरिंग के बारे में इसके तकरीबन 20 से ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद भी हालांकि बेल पे छुटे हुए हैं, बेल के ऊपर यहाँ पर बाहर आकर हेट मॉन्गरिंग के ऊपर ही उसकी बेल मिली सो है, उसके ऊपर आकर फिर वापस वही केस अगर कमिट करता है
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब तक खामोश है। सुमोटो केस लेना था, अगर यही अगर कोई मुस्लिम लीडर या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यही अगर स्टेटमेंट देता तो अब तक वो अरेस्ट होता था, उसके घर वाले परेशान, उसके गली वाले परेशान, उसके खानदान वाले परेशान, पूरी उसकी पूरी कम्युनिटी परेशान करते थे यही गवर्नमेंट। ये जो रेगुलर हेट मॉन्गर है बेल के ऊपर आने के बावजूद भी कर्नाटका गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, अब तक उसके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर इमीडिएटली उसको सुमोटो लेकर अगर केस कर FIR करके उसको अरेस्ट नहीं करें और पिछले जो बेल को कैंसिल कर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके हम लास्ट टाइम 2 साल पहले जैसा आंदोला चलो करे थे, आंदोला चलो कर हम कर उसको अरेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ तक भी नहीं रुका है, लास्ट टाइम आलोक कुमार साहब जब उसको अरेस्ट कर रहे थे, आलोक कुमार साहब को ही वो एक वचन में उनको बात की है, उसके बावजूद भी गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट खामोश है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली उसको अरेस्ट करें और यहाँ का जो गुलबर्गा का जो माहौल है, पीसफुल माहौल है, उसको डिस्टर्ब करने की एक प्री प्लान्ड एक साजिश के तहत होम मिनिस्टर से मिलने के बाद, बेंगलोर से मिलने के बाद आकर गुलबर्गा में एक हिडन एजेंडा के तहत ये प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा कहना है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज सुबह से ही तमाम जिम्मेदारान ने DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, SP मैडम तमाम से पहले मुलाकात करने की कोशिश की ताकि उन्हें रूबरू ये समझाया जा सके, ताकि ये आंदोला मुतिया जो उसके चेहरे और उसके लिबास में एक इंसान नहीं एक हैवान जैसा शख्स शामिल है, क्योंकि हमने पिछले अलन के हादसात से सबक जो लिया था उसके बावजूद हमने पूरे अखलाक के मुजाहरे के साथ तमाम शहरियान गुलबर्गा और ख़ास करके लीडरान, अभी कुछ देर पहले मेरे से पहले SDPI के लीडर ने बहुत तफसीली समझाया, जो शख्स अपने लिबास के मुताबिक नहीं रहता, जो शख्स में इंसानियत बाकी नहीं रहती, गुलबर्गे में 72 के बाद ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो इस शख्स ने सरेआम अलन में करवाया, उसके बावजूद उसे ये जो नफरत की राजनीति करता है उसके लिए उसे ये लोग केस कर जेल को भेजे, उसको बेल उसी सूरत में मिली कि वो बाहर जाकर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा बोलने पर अगर कोई SDPI का आदमी बोला होता तो कोई लीडर ही नहीं नॉर्मल मेंबर बोला होता तो आज गुलबर्गे में हर आदमी आगे आता जो लोग BJP के, ये काम BJP का ही है, हम जानते हैं अच्छी तरह, CM के गोद में बैठ के आए ये प्रपोज मुतालिक आकर ये अल्फाज बोल रहे हैं। आने वाले जिन इलेक्शन गए मुझे एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे साथ कोई मर्द होता हमारा खायद या हमारे रहबर तो हमारे लिए हम सब बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज अफसोस है कि लोग मीडिया वाले मशवरा दे रहे हैं कि आवाज़ कम रख कर अजान दिए तो कोई बात नहीं बोल के, लेकिन ये मशवरा कोई देने की ज़रूरत नहीं थी, माजी में जो लीडर्स थे उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ख्यालात रखते थे जो कल क्या होगा उनका आज एक दूरअंदेश शख्स थे, लेकिन अब जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनका काम है। मैं ये खास करके कहना चाहूँगा कि उनका काम है, उनके आजू बाजू के लोग झूठ और नफरत फैलाने का काम करते हैं वो, और ये आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस का MLA, मुझे ऐसा लगा है कि ये BJP का MLA, ये कभी स्ट्राइक नहीं कर सके और कभी आंदोला मुतिया ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सके, ना CM के ना कोई हो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के, लेकिन आज वक्त आ गया है ये नौजवान जो खड़े हैं ये एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँ कि आने वाले दिनों में एक काबिल और बेहतर खायद अल्लाह हमें दे जो हमें अच्छी राह बताए, और इसके लिए जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा कि अगर ये 8 तारीख आज क्या तारीख है कल अगर उसके कह, सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने आवाज़ कम रखने की बात कही है, निकालो नहीं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, मेरे पुरखों ने हमारे कौम के पुरखों ने 1857 में लाखों लोग लाखों मौलाना मर गए शहीद हो गए इस मुल्क के लिए, इनका मुल्क था जब कहाँ थी ये बजरंग दल RSS हिंदू विश्व हिंदू परिषद कहाँ थी जब ये लोग कांग्रेस के ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे, लेकिन आज हमें इसी मुल्क में हम पैदा हुए इसी मुल्क में रहने के लिए हमें अजान की उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। पिछले दिनों में अजान हुई, रमज़ान हुआ, सब कुछ हुआ, बसवा जयंती हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो
वो ये जो भगवा पोशाक में हैवान है, इनको हकीकत में ये इंसानों के साथ रहने के लायक नहीं है। इन्हें पकड़ना चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए, इनको कभी बेल नहीं देना, ये अंदर ही रहना चाहिए। और ये नौजवानों का दिमाग ख़राब कर कर ऐसी बातें हम सब में आए कि हिंदू गुलबर्गे में खास करके हिंदू मुस्लिम, आप यहाँ पे ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह भी है, चंपा सपा की मंदिर भी है, हम सब मोहब्बत से इतने सालों से रहते आए हैं, लेकिन ये आज ये जो उसकी उम्र कितनी है वो अंदाज़ा तो लगाओ, उसकी उम्र से कई बड़ा वक्त तो हम लोगों का गुजरा है। एक छोटे लौंडे जो पोशाक भगवा पोशाक में आकर इन लोग इस कौम को अगर गुमराह करते हैं, तो हिंदू भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे आदमी की बात मत सुने। जो आदमी आपको उसको बोलो उन खुद रोड पे निकले, क्या कर सकता है वो बताए। आपके नौजवानों को लेकर जाके जेल में डालना, आपके नौजवानों को मार देना, ये लोगों का काम है बीजेपी वालों का, आप समझ जाओ। वक्त आ गया है हम सब एक होकर ऐसी सरकारों को हटाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस क्यों हरकत नहीं कर रही, पुलिस क्यों हरकत नहीं कर रही? पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए था कि जब जिस तरह शशि कुमार साहब थे उसी तरह काम करो। दोनों DCP से SP मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब जानती हैं तो आप करें। और कुछ मुस्लिम लीडर जो मुख्तसर मुफीद बयान देने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो अपना बयान वापिस लें और खामोश बैठे। अगर कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमने देखा है अलंद में आप लोगों ने क्या किया, और कौम को भी ये पता है। अब वो चुप छोटे मोटे बैठ देर दो मिनट के देख के कौम का नुकसान करने की कोशिश ना करो। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, हिंदुस्तान के संविधान को अपने हाथ से छोड़ेंगे नहीं हम। अगर तुम हमें छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। आज गुलबर्गा के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेमोरेंडम दिया गया, कॉपी टू DC, कॉपी टू गुलबर्गा कमिश्नर, कॉपी टू SP। हमारी मेमोरेंडम में डिमांड ये थी कि आए दिन ये आंदोला खुद को स्वामी बोलने वाला गुंडा आए दिन हेट स्पीचेस दे रहा है, गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हमने मेमोरेंडम दिया। उसमें हमारी डिमांड ये थी कि इसके ऊपर 307 जैसे 20 से ज़्यादा इसके ऊपर केस मौजूद हैं। जो ये बेल लेकर बाहर घूम रहा है उन बेलों में ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है कि इस तरीके की स्पीचेस, इस तरीके के माहौल ख़राब करने का काम नहीं करना। उसके बावजूद ये इस तरीके के काम करता है, तो इसकी जो ये हिम्मत आ रही है, जो कर्नाटका के CM बॉम्बे साहब हैं उन्हें मैं बॉम्बे साहब कहूँगा, क्योंकि ये खड़े होकर उनके सामने बात करता है, उनके बाजू 150 से ज़्यादा केस जिसके ऊपर है उसको बाजू बिठाकर मुंडी हिला हिला कर उनकी बात सुनते हैं, वहाँ से इनको हिम्मत आ रही है इस तरीके के काम करने के लिए। तो हमने डिमांड ये की कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर जितने केसेस है जो बेल लेकर वो बाहर घूम रहा है उसकी बेल रिजेक्ट कर उसको जेल में भरने का काम करें। वरना गुलबर्गा शहर के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई जो हम एक जुट होकर मिलजुल कर रहते हैं, ये सब मिलकर गुलबर्गा में तारीखी प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलन चलो एक मुहिम तारीख निकालकर आंदोलन जाकर इसको सबक सिखाएंगे। तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस गुलबर्गा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुलबर्गा और डिप्टी कमिश्नर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने मिलकर ये एक मेमोरेंडम दिया। ये जो आंदोलन का स्वामी है इसे अरेस्ट करना होगा। इसके ऊपर 20 से ज़ायद केसेस इसके ऊपर ऑलरेडी बुक हैं। जिसने ये केसेस पर बेल ली है, बेल की कंडीशन, अगर ये फिर से कुछ भाषण देगा, अगर ये फिर से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगा, तो इसकी बेल कैंसिल करने के लिए इसके बेल ऑर्डर में कंडीशंस जजेस ने दी है। उसके बाद भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस माहौल ख़राब करने का देख रहा है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई लोग नहीं उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहा कि वो ऐसा भाषण ना दे। वो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये धमकी दे रहा है कि तमाम मस्जिदों के ऊपर से स्पीकर्स निकालना चाहिए, अजां को विदाउट स्पीकर के देना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हम तमाम लोगों ने फॉलो करते हैं कि कम आवाज़ में अजां दी जाती है। हमारे पीसफुल माहौल को, गंगा जमुना तहजीब को जो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ये। हमें हमारी कमज़ोर क़यादत पर बड़ा ही अफसोस होता है।
हमारी अगर क़यादत मजबूत होती तो हम लोगों को इस कदर दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फौरी तौर पर एक एक्शन में ये एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाता। लेकिन अफसोस है कि ना तो हमारे लीडर्स इस ख़त्म की मजबूती दिखा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के हैं, और जो मौजूदा MLA हैं वो भी इस किस्म के हरकत के ऊपर ना तो कोई बयान देते हैं, और वो तो उस वक्त भी बयान नहीं दिए थे जब अलंत का मामला उसने किया था, आंदोलन अलंत चलो का जो नारा दिया था उस वक्त भी वो खामोश रहे थे, जब इतने सारे लोग अरेस्ट हुए उस वक्त भी खामोश रहे थे। आज भी शायद ऐसा चाहते हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में नाइतफाक़ी पैदा हो जाए, हम ये खत्ते ही नहीं चाहते हैं। ईवंदु जिलाड़ के ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ SP ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ, ಆ ಬೇಲನ್ನು ಅವ್ರ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಲನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಂದೋಲನ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ।